आज हम कराने वाले हैं अम्मी के घर का विजिट। चलो घर देखें, घर घर देखो। चलो चलो, ये बैठक है, ये दरवाजा ये है जी, एसी की सेटिंग भी है। मतलब सेटिंग हुई हुई है लेकिन ये उनका लगा हुआ है, हमारा घर। अब आपका घर देखने चले। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जब मेरे कुछ टाइम बाद आए तो हम मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह वेलकम बैक। ये कौन है? अवेश पुत्र है। अवेश क्या कर रहे हो? चार पापे पक रहे हैं। पक गए हैं। पक गए। चलूं फिर। चलो जी चले। ये उससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। दादी चाय पापे खा रही है, कैसी तबीयत है? रोटी पक्की पाई है, माशाल्लाह। नाश्ते का क्या होता है? नाश्ता तो हमें गुजारा करना होता है। हम घर पे भी ऐसे नाश्ता नहीं करते थे, चाय और केक रस खा के फिर दोपहर को रोटी खाते थे। और ये कौन है? और ये कौन है? ये तो फिजा है, क्या कर रही हो? और इस तरफ देखें, दादा जान बैठे हैं। दादा क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सुसर जी भी बैठे हैं, माशाल्लाह। चाय नाश्ता हो रहा है, सही है। नाश्ते की रूटीन चल रही है सुबह सुबह। हाँ जी, चाय पाते बाद। बिल्कुल जी, ये तो कॉमन है हर किसी के घर में, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। विलेज का जो है ना फेमस नाश्ता, चाय पापा, चाय की एक रस। बीबी क्या खा रही है? पापे खा रही हो? खाओ खाओ, माशाल्लाह करो। चलें जी, अभी हम भी नाश्ता करते हैं। देखें दादी चंदन पहले पहले खा रही है ना, वो जो मेरी दादी है ना, बच्चे मेरी दादी भी रोज ऐसे बोलती है, बोलती है मैं पहले पहले आ जाती हूँ, कहीं ख़त्म ना कर दो आप चाय और राशन। बेगम साहबा इधर बच्चों को खिला रही है या सबको खिला रही है? सबको खिला रही है। शेबू के काम देखें, शेबू क्या खा रहे हो? पापा खा रहे हो? रोज ना सुबह सुबह मेरी ड्यूटी होती थी चाय के साथ बैठने की, आज चित्रा पे तो अब से इसकी ड्यूटी शुरू। गैस के बच्चे जो है ना आम से राजी नहीं होते। हाँ, ये सबसे पहले खाते हैं और इनसे ही राजी होते हैं। सुबह सुबह उठे तो नीचे ही आए, ये बोलते हैं चाह पापा। सही है, चाय अभी बनी भी नहीं थी। हाँ जी हाँ जी, मैं उधर सोई हुई थी ना, तो मेरे चाचा के ना साथ आ गए और बोला नानी अभी चाय बनाई। सही है, ये सुबह सुबह अबू को ना ये अबू उठा के ले आए। अबू उठता है तो वो नमाज पढ़ के वो सीधा यही काम करता है। बच्चे कितने समझदार हैं, इनको ये आते हैं ना आते जाते रहते हैं, इनको पता है कि चाय जो है ना ये नानी बनाती है, इसलिए ऊपर से आए, ऊपर से नीचे आके मेरी चारपाई के साथ खा के नानी चाय नहीं बनाती। पता है ना उनको। मेरे घर का तो पता नहीं, कल तक तो ठीक थे, अभी तक हम काम करेगा तो माशाल्लाह से सब ठीक। हाँ जी, आपने नाश्ता कर लिया? मैंने नहीं किया अभी। रोटी का नाश्ता करेंगी, चाय का? आप तो चाय का करते हैं मेरे ख्याल, पहले 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 चाय पीऊंगी थोड़ी सी। चलो सही है। क्या है? बोटी क्या? ए ए क्या है? ए क्या है ना? बोटी बोटी खोस है। हाँ जी ये खाते हैं जी जी। हाँ खोसा खोसा। चलें जी, अभी जो है नाश्ता हो रहा है। हाँ जी। किसी बहन भाई को नाश्ता करना है तो आ जाए हमारे साथ, आ जाए ना आए। सही है, वो तत्ती है। ये क्या काटते?
बस करो बस, अभी बस यही रखो। मरियम भी खा रही है। हाँ जी। कैसी तबीयत है? अबे सुनो, ये कपड़ा नीचे करो लत का। मरियम ना गोभी का सलाद खा रही है। गोभी खा रही हो? अम्मी की याद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं, वो इधर खुश है। चलो सही है जी, अभी नाश्ता करते हैं उसके बाद में। पापा बोटी खा रहे हो जी? जी बोटिया खंदा बैठे। चलो खाओ खाओ खाओ। चले जी फैमिली, अभी जो है क्या होने वाला है, आज हम कराने वाले हैं अम्मी के घर का विजिट। हाँ जी, आज जो है ना हम जो है न्यू घर का विजिट कराने वाले हैं। तो आप लोग ने देखना है, बताना है कि कैसा लगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। फैमिली अभी जो है देखें मेन गेट पर हम मौजूद हैं। हाँ जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे, मुकम्मल घर का आपको विजिट कराएंगे। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बहुत मज़ेदार होने वाली है। हाँ जी, आज है ना बेगम साहिबा की अम्मी का जो है ना मुकम्मल घर दिखाएंगे आपको। हाँ जी। बेगम साहिबा भी साथ हैं। हाँ जी, मैं भी साथ हूँ, मैं किधर जाऊँगी। हाँ जी, ये जो है ये मेन गेट है, यहाँ से आगे शुरू करते हैं, है ना। हाँ जी, और इसके आगे ये सामने जो है ना ये बरामदा एरिया है, ये थोड़ा सा सहन है। चलें आगे माशाल्लाह। हाँ जी, चलो चलो घर देखें, घर घर देखो। चलो 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 आगे माशाल्लाह। सबसे पहले जी ये एंट्री हो रही है। चलो किस चीज की? बैठक की। माशाल्लाह ये बैठक है, ये दरवाजा ये है जी, ये मेहमानों मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए होती है ना। इधर ना मेहमानों को बिठा के मेहमान नवाजी करेंगे। हाँ जी, ये माशाल्लाह खूबसूरत कलर भी इसका हुआ है और सीलिंग भी देखे माशाल्लाह जबरदस्त माहौल है। ये सब सही है माशाल्लाह। ये सुसुर जी पंखे लगा रहे हैं अभी। हाँ, इधर पंखा नहीं लगा है। हाँ जी, माशाल्लाह को दिखाएं, जो आपके देखने वाले हैं, हम भी देखें, हमारा जो है कैसा जी। ये है जी, ये थी जी बैठक, हमने आपको जरूर आएगा। हाँ जी सही है माशाल्लाह जी, ये थी बैठक। बैठक हमने दिखा दी है और आगे ये हाल है मतलब बरामदे का। इस तरफ ये फ्रिज की सेटिंग माशाल्लाह। आगे ये किचन है। सही। ये कमरा है, बंद पड़ा हुआ है। ये क्यों बंद है? इसमें सामान पड़ा हुआ है। हाँ, जिसने दिया है उसका सामान थोड़ा बहुत रह गया होगा, उठाएंगे तो फिर खाली करेंगे। सही है, सही है। हाँ जी चलो सही है। इसके बाद ये कमरा जी माशाल्लाह, एक ये कमरा है। इस तरफ देखें जी अलमारी माशाल्लाह, ये भी सीलिंग हुआ हुआ है। ये अल्ताफ, चाचू अल्ताफ का है। इसमें एसी की सेटिंग भी है। मतलब सेटिंग हुई हुई है लेकिन ये उनका लगा हुआ है। हाँ सही है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर फुर्सत देगा एक दिन, ऐसा ऐसा हो जाएंगे सबका। क्या कहना है? दे चलो 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 शाबाश। क्या खा रहे हो शेबू? केला खा रहे हो? अंगूर नहीं, केला है ये। मरियम भी अंगूर खा रही है, मीठे हैं भैया। वो मुझे वैसे ना केला ले ले दो। हाँ ले देता हूँ बाद में, ये खा लो। चलो उधर चलें जी। इस रूम का जो है विजिट हो गया है मुकम्मल। नीचे ऊपर सारा अब जो है
दिखाते हैं किचन। माशाल्लाह आप भी दिखाते हैं किचन माशाल्लाह जी। ये देखें जी ये किचन है, ये सारी अलमारियां बनी हुई हैं सामान रखने के लिए, लॉक लगे हैं सही है। इनको लॉक कहाँ से लगती है? अच्छा वो ये मैग्नेट लगे हुए हैं ये वाले, सही है माशाल्लाह। ये देखें जी इस तरफ ये सारा सिस्टम जो है ना, नीचे भी अलमारियां बनी हुई हैं और इस तरफ चूल्हा हमारा किचन वाला, सही है। उस पे चमकते हुए चीजें रखे शीशे में सही अंगूर माशाल्लाह। कहीं ये किचन हो गया, छोटा सा है लेकिन है माशाल्लाह खूबसूरत है। चलें माशाल्लाह जी ये था किचन, आ जाएं अब चलें जी इस तरफ। लड़ो नहीं इकट्ठे खाओ, झगड़ो नहीं, झगड़ा नहीं किया करो। अब इस तरफ देखें जी एक रूम ये है, माशाल्लाह दादे जान का कमरा है। दादा जान इधर देखे जरा कैसे कैसे मुस्कुरा रहे हैं हाँ जी इसका कलर भी देखें कैसा कैसा हुआ है। ये एक जैसा हुआ है या मुझे चेंज लग रहा है? एक जैसा, उधर भी ऐसा ही था ये वाला देखे ज्यादा वो नीला लग रहा है, वो वाला जो है वो कुछ कम है। हाँ जी तो चले जी ये इसके ऊपर सीलिंग नहीं हुई हुई है ऐसे ही है। तो ये देखें ये मेरा चश्मा मैंने लटकाया है मैं बच्चे तोड़ दे ये तो तोड़ ही देते फिर। सफर में आए हैं तो बहुत हवा थी और ऐसे कचरा आंखों में आता था तो इसलिए ये लेके आए। जो है ना पेटियां सब पेटियां जो इधर रख दी हैं, मम्मी की भी पेटियां हैं, भाभी की पेटियां और ये सब। ये जो है ये मम्मी की है और ये बक्से दोनों और ये सिस्टर की, ये दूसरी चौकी भी उसकी। जब वो दूसरा कमरा खाली हो जाएगा तो सिस्टर अपनी पेटियां निकाल के उधर रख। सही है माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये देखें इसकी बाहर की सेटिंग ये हो गए मुकम्मल। चलें जी अबे आगे ऊपर वाली हमारा घर, अब आपका घर देखने चले। चलो जी माशाल्लाह ये वॉशरूम और बर्तन वगैरह धोने के लिए और सारा सिस्टम। चलो ऊपर चलो माशाल्लाह ये सीढ़ियां हैं। चलो 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 मरियम साहब से आगे जा रही है। हाँ जी सही है, वो देखो चाय खा रहे हैं माशाल्लाह जी। अब जो है ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ये सीढ़ियां हैं माशाल्लाह ये देखें। अब जो है चलते हैं ऊपर, देखते हैं दिखाते हैं आपको ऊपर हमारा भी प्रोग्राम है। ये जो बनी हुई है ना ये हाँ, इस पे जो है ना जैसे आपने अपने घर में वो छोटी बूटियां गमलों में रखी हुई हाँ, वो छोटे छोटे ले आएंगे बोतलें या बना के ऐसे इसमें रख देंगे ये खूबसूरत हो जाएगा। हाँ बच्चों से बच्चों की ये पहुंच की है, पता नहीं रखने देंगे या नहीं वैसे अगर इधर रख दी जाए ऐसे तो आगे और कर सकते हैं, सर पे भी रख सकते हैं ऐसे खूबसूरती। हाँ जी ऊपर खूबसूरती बनाने के लिए बहुत जगह है। हाँ बहुत, ये देखें वो सारी। हाँ जी ये देखें जी ये ऊपर का माहौल है, ये देखें इस तरफ ये वो एसी का पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए ये सारा सिस्टम है माशाल्लाह। ये सहन है हमारे घर का, ये आपके घर का सहन है, ये हमारे घर का सहन, ये कुछ इस तरफ है कुछ इस तरफ, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। बाकी ये है इधर जो है ना ये कबाड़ वगैरह के लिए, ये सब फालतू सामान होते हैं। हाँ जी सही है, चले माशाल्लाह आगे अपनी बैठक दिखाते हैं आपको। ये है हमारी बैठक माशाल्लाह, ये आपकी बैठक है। ये ओपन कमरा है क्योंकि हम जो है ना बिजली की बचत भी कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर हवा लगती है, वैसे इधर हवा लगती है। हाँ जी
ये तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, ये उस तरफ से भी हवा आती रहती है, माशाल्लाह देखने में भी काफ़ी अच्छा है। ये देखें मेरे ख्याल में ये डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, इस पर वो लगती होती है उसको बोलते हैं ग्रिल। हाँ वो ग्रिल लगती है इस पर, वो ग्रिल लग जाएगी ना जैसे वो नहीं लगे, वो इस तरह की बनी होती है ग्रिल, उसके बीच में भी दरवाजा वगैरह लगा होता है। हाँ वो वाला जो है इधर लगेगा क्योंकि धूप जो ना। हाँ जी वो ग्रिल लगा के आगे कोई पर्दा वगैरह हट जाएगा ना, इधर से हवा आएगी। हाँ जी हाँ ये तो सही है, चलें आगे माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है। साथ इसके अटैच एक और कमरा है हमारा, यानी जिसे हम कहते हैं, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, तो ड्राइंग रूम बोल सकते हैं इसको या क्या कहते हैं, मतलब पता नहीं। ड्राइंग रूम तो मेरे ख्याल में क्या कह रहे हैं, सर्दियों में जो है ना, सर्दियों के लिए ये स्लीपिंग रूम। अच्छा सोने का कमरा। सही है, गर्मियों में ये वाला और सर्दियों में ये वाला सोने का कमरा। हम सोना खरीद के पा भी नहीं सकते, सोने का कमरा। एक तो औरतों सोने का नाम ले रहे हैं, कजन फौरन सोने का चल वो वाला पैसा तो किया है सोने का कमरा। मतलब है ना प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा, इधर देखो ये सोने का कमरा, अब सो गए। इसको अब हम सोना बोलते हैं, लाजमी नहीं है कि जो भी वो सोना होता है। अच्छा ये कमरा है, इसमें है आपका सामान सब यहाँ पर है आपके घर में। माशाल्लाह अभी इधर पिपन खा लगवाना है। हाँ, इधर कोई सेटिंग तो नहीं है, इधर तो कुंडा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, इसका कुंडा भी लेना पड़ेगा। ओहो मुझे तो बात ही भूल गई, सुबह मैं चौक पर गया था शेव शुभ करवाने, तो ये कुंडा भी लेना था, भूल गया, अभी फिर जाना पड़ेगा। चलो अल्लाह खैर, जो है वो लगा लेते हैं फिर ले आएंगे। नीचे वाले जो है वो लगा लेते हैं, वो भी लग सकता है, फिर जो है ना ये वाला इसको फिर ले आएंगे। सही है, और माशाल्लाह इसके साथ वॉशरूम है, इधर देखें ये अटैच वॉशरूम है जी, ये देखें ओ, इसको वॉशरूम नहीं बाथरूम बोलते हैं, वॉशरूम बोलते हैं, ये साथ में एक जैसा ही है ना, बाथरूम भी है बाथरूम भी है। हाँ एक है सारा सिस्टम, तो इसके टेंशन ये है, तो इस तरह पर्दा लगा हुआ है अभी इनके, इसके आपके लगने वाला इधर से भी लगेगा उधर से भी लगेगा, मतलब कि आपके जो आपका जो घर है ना उसकी ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं। हाँ, ये खिड़की है, देखे मैं खिड़की में खड़ा हूँ, ये सब हवादार है सब, मतलब ये ओपन माहौल है सब, बाथरूम की हवादार है। अभी तो गर्मी है ना, कह रहे हैं हवादार है, ये है गर्मी ना हो, जब सर्दी आएगी फिर पता चलेगा, फिर बोलेगा ठंड लग रही है। चलो इंशाल्लाह जब जब तक सर्दियां आएंगी तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलो ये तो वॉशरूम का जो है ना वो जरूरी है पहले, बाकी तो अभी गुजारा चल रहा है, सबसे पहले छोटा सा उन्होंने बनाया है, उसके भी दो दरवाजे लगाए, कोई मसला नहीं था, उधर से हम वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते थे, हमारा कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो हम सर्दी में बच्चों को बाहर लेके, हम तो माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े हैं, तो आप ऐसा है अगर आप अगर इसको भी इनके वगैरह लगा के ये बंद भी कर दें, उतना खर्चा होगा जितने में दरवाजा लगेगा। हाँ बिल्कुल बराबर है, वही दरवाजा ही लगा लें। हाँ भाई जैसे सेटिंग बनी है वैसे लगा लें, चलो सही है, जो हो गया तो सही, खैर चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी फिर आ गए, ये देखें जी फिर से हम आ गए हैं बाहर, ये वाला यहाँ से सिस्टम ये दिखाया है सारियाँ, तो ये बाहर का सिस्टम है इसका, ये देखें ये उस तरफ से जो दरवाज़ा था इस तरफ वॉशरूम का ये है, ये अभी इसको जो है ना दोनों पास से दरवाजे लगने वाले हैं, वो यहाँ हाथ मुँह धोने के लिए ये लगा हुआ है,
बेसन भी लगा हुआ है और ये चीज जो है ना ये बहुत अच्छी चीज है। ये गैलरी बनाई है जो छोटी सी छोटी सी गैलरी है, इसमें टूटी लगी हुई है कपड़े वगैरह धोने के लिए, बर्तन सर्दियों में इधर सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी भी नहीं लगेगी। माशाल्लाह ये टाइल वगैरह भी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह इसकी। ये सही है, सर्दियों में सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मियों में धूप भी नहीं आ सकती उधर। ऊपर से भी बंद है ये, साइडों पर भी वो सेंटर में है। ये जो है ना VIP माहौल है माशाल्लाह। बच्चों के काम देखें वो कपड़ा धोने वाले हैं, पपड़ा पपड़ा लगी खड़ा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारा ये जो है किचन, माशाल्लाह वेलकम टू आपका किचन। ये हमारा किचन है माशाल्लाह। हम खाना पीना भी करेंगे और खाना बना कर कर इधर ही बैठ कर खाएंगे। सही है। ये नीचे वाले से ये कुछ जो है ना बड़ा है, बड़ा उससे भी वो नीचे वाला छोटा सा है। हाँ ये उससे बड़ा है और ये जो है ना यहाँ पर सेटिंग जो है काफी अच्छी है। ये देखें यहाँ पर बंदा खाना पका के बैठ के भी खा सकता है, यहाँ पर पकाएं यहाँ पर खाएं। हाँ जी बैठने के लिए। हाँ वो देखें, शरारते नहीं करो अवेस, छोड़ दे छोड़ दे। सारे बच्चे जकड़ जाएंगे, वो लड़ रहे हैं अभी भी। छोड़ दो अवेस, छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा रख दो रख दो, और कुर्सियां ले आएंगे, और कुर्सियां ले आएंगे। ये रख दो, ये गंदी है। तो इधर टूटी का इंतजाम भी है बर्तन धोने के। हाँ वो देखे पीछे ये इंतजाम है, ये देखे ये वाली टूटी और ये सारे बर्तन रख दिए हैं अम्मी जाने से जाके। ये मेहंदी की प्लेट भी रख दी है। हम आज सिर पे मेहंदी लगाएंगे सारे। हाँ जी सही है। चलो जी ये निज़ाम तो हो गया, ओके माशाल्लाह। ये मुकम्मल घर विजिट हो गया है। इस तरफ इसकी भी अभी खिड़की नहीं लगी है, ये दूसरी वैसे लोहे की जाली लगी हुई है। ये भी ले जो है ना, इसकी तो टेंशन भी नहीं है, ये हम बंद भी नहीं करेंगे। सही है, ये तो क्योंकि किचन में खाना पकाने का काम करते हैं ना, गर्मी होती है, चलो ये हवादार है कुछ सही है। मतलब आपका जो घर है सारा हवादार है। और हमारे इस कमरे को, इस किचन को अवार्ड मिला हुआ है। ट्रॉफी का वाशर, वो भी स्टार वाली ट्रॉफी मिली है। सही है माशाल्लाह। चले जी ये हो गया मुकम्मल विजिट, अब देखें। और ये वाला इसका बाहर वाला देखे माहौल इस तरह का है। नीचे वो देखे बोटियाँ वगैरह, नीचे जो है ना नानी दादी बैठ के खा रही हैं अंगूर। मैंने कहा नीचे जो है ना दोनों दादियाँ बैठ के अंगूर खा रही है। दांत तो है जो फिर ऐसे अंगूर खाने के लिए सब जो है ऊपर चले गए हैं। ये शीशे के जो दवे हैं ना, ये देखें शीशे के दवे पड़ रहे हैं नीचे, वो बच्चे सब पकड़ रहे हैं। खुश हो जाते हैं बच्चे माशाल्लाह जी। तो ये था मुकम्मल घर, होम विजिट हमने करा दिया है। तो आप सब ने बताया है, बताना है कि कैसा लगा। ना करो, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, हमें तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। हम जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह पाक आपके नसीब में करे। और जो है ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।